जो इस वक्त धमाल मचा रही हैं बिग बॉस में, वो खतरों के खिलाड़ी में भी धमाल मचा चुकी हैं। कपिल पाजी यानी कि कपिल शर्मा भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, और ऐसे में सिद्धार्थ भाई की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा है और वो बहुत फनी है, और कब मतलब उनका नेचर रॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। बैठे बैठे थक गया था, अब करूँगा कुछ मज़ेदार काम। दोस्तों आप लोगों को इस वक्त मैं जर्नी कराऊंगा तेजस्वी प्रकाश के घर की। जी हाँ, माया नगरी मुंबई में तेजस्वी कहाँ रहती है, कहाँ तेजस्वी का बचपन पला बड़ा हुआ, और साथ ही साथ न सिर्फ तेजस्वी के घर के दर्शन बल्कि दोस्तों तेजस्वी प्रकाश जब हम जाएंगे तो रास्ते में जो जो मेन इम्पॉर्टेंट स्थान आएंगे, मेन मेन जो इम्पॉर्टेंट जगह आएंगी, उनके भी दर्शन कराऊंगा। कौन सा सेलिब्रिटी किस बिल्डिंग में है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव जर्नी में। बाय द वे आपको बता दूं दोस्तों, तो ये एक बहुत मज़ेदार जर्नी होने वाली है, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो भाई जाने से पहले अगर बाइक वाइक में ट्रैवल कर रहे हैं तो जाने से पहले सेफ्टी गियर यानी कि हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार तेजस्वी प्रकाश कहाँ रहती हैं, किस जगह रहती हैं, और प्लस आसपास की लोकेलिटी क्या है। एक्सक्लूसिवली ऑन फिफाफूज। तेजस्वी प्रकाश यानी कि हम सबकी प्यारी तेजा, क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश को घर पे तेजा भाई या तेजू बुलाया जाता है। बिग बॉस 15 में तेजस्वी प्रकाश जिस तरीके से धमाल मचा रही है, इससे पहले वो स्वरागनी में भी धमाल मचा चुकी हैं और खतरों के खिलाड़ी में भी धमाल मचा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त मैं अंधेरी स्टूडियोज में हूँ जहाँ से मैं निकला, और आप लोगों को सीधा लेकर जाऊँगा तेजस्वी प्रकाश का घर जहाँ पर वो रहती हैं, गोरेगांव। अंधेरी और गोरेगांव इट्स वेरी क्लोज, ठीक है। तो ऐसे में मैं आपको जितना ज़्यादा मैक्सिमम कवर करना चाहे तो मैं करूँगा, जो जो मेन लैंडमार्क आएंगे उसमें करूँगा। जॉगर्स पार्क आपको फिल्म याद है, एक फिल्म आई थी वो लोखंडवाला के इसी पार्क पे शूट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्क है ये जॉगर्स पार्क है, यहाँ पे ही वो फिल्म शूट हुई थी, मतलब उसके जो पोर्शंस थे वो यहाँ पे ही शूट हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात की जाए दोस्तों, तो तेजस्वी प्रकाश जो इस वक्त धमाल मचा रही हैं बिग बॉस में, वो खतरों के खिलाड़ी में भी धमाल मचा चुकी हैं। जी हाँ, रोहित शेट्टी साहब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, सीज़न 10 में वो आई थी, तेजू 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 बहुत करते थे वो, बट अनफॉर्चुनेटली उनको चोट लगी थी और उनको शो अपना ख़त्म करना पड़ा था, उस वक्त की जर्नी ख़त्म करनी पड़ी थी। अब मैं आपको लेकर जाऊँगा सीधा तेजस्वी प्रकाश के घर, लेकिन रास्ते में सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बोला था कि अंधेरी में है इस वक्त, और जहाँ पर तेजस्वी प्रकाश रहती हैं वो है गोरेगांव। बहुत ही मतलब दो भाई जैसे है ना, वैसे ही रिश्ता है गोरेगांव और अंधेरी का। बीच में लेकिन सेलिब्रिटीज़ की भरमार है, जो मेन रास्तों में जिन जिन के घर पड़ते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताई है बात। अभी जहाँ पर मैं जिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, इट्स वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स में, जी हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए इसे, इसी कॉम्प्लेक्स में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तापसी पन्नू से लेकर आयुष्मान खुराना, मिक्का पाजी से लेकर हमारे लेट इरफान खान साहब ले लीजिए, इनफैक्ट कपिल पाजी यानी कि कपिल शर्मा भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। दोस्तों ये अंधेरी का इलाका है जो वन ऑफ दी
रिच, वन ऑफ द पॉश एरिया में से एक है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार साहब की एक फिल्म जो शूट हुई थी गुड न्यूज़, उसकी भी शूटिंग इसी में जगह पे हुई थी, इसी कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो चलिए आगे जर्नी बताते हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला का एक एंगल है इसमें बीच में, वो भी आपको बताऊंगा। मेरे साथ जर्नी में बने रहिए। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सेलिब्स जो जो अंधेरी और गोरेगांव के स्ट्रेच में रहते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में जब बिग बॉस की बात की जा रही है, तेजस्वी इस वक्त बिग बॉस के घर के अंदर हैं, लेकिन बिग बॉस के किंग यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूँ तो भले ही सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में इस वक्त नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में सिद्धार्थ शुक्ला की इमेज है। और ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ, मैं उन्हीं की बिल्डिंग के ठीक सामने ठीक बाहर खड़ा हूँ, और ऐसे में सिद्धार्थ भाई की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, सिद्धार्थ शुक्ला की बिल्डिंग सेम वहीं उसी जगह पर है, और ये आपको बिल्डिंग कहीं ना कहीं फैमिलियर भी लगी होगी, क्योंकि हमने काफ़ी मीडिया को और काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखा था जब सिद्धार्थ भाई हम सबको छोड़ के चले गए थे। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं कि बिग बॉस 15 में धमाल मचाने वाली तेजस्वी कहाँ रहती है। तो चलिए अब सीधा तेजस्वी प्रकाश के घर के दर्शन कराएंगे आपको, और बताऊंगा कि आखिरकार गोरेगांव में किस जगह पर रहती हैं तेजस्वी प्रकाश। पहुंच गया हूं मैं तेजस्वी जी के घर के बाहर। जी हां दोस्तों, बंगलो में रहती हैं तेजस्वी। यहां पे गोरेगांव में बहुत सारे अलग अलग बंगलोज हैं, और आपको बताना चाहता हूं इस वक्त मैं उन्हीं के बंगलो के बाहर खड़ा हूं, आपको डिटेल विजुअल्स बताऊंगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों ये है तेजस्वी जी का बंगलो जो कि है गोरेगांव में। आपको बताना चाहता हूँ कि गोरेगांव में छोटे छोटे बंगलोज हैं, बंगलो सिस्टम ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, गगनचुंबी इमारतें होती हैं। तेजस्वी जी के अभी इस वक्त घर में हमने प्रवेश करने की पूरी कोशिश की, बट कोई नहीं है घर पर, उनकी हाउस हेल्प ने बताया है यहाँ पर, और अंकल आंटी भी नहीं है, प्रतीक भी घर पे नहीं है। बट आप लोगों को ये दर्शन जो है ये एक्सक्लूसिव है, ओनली ऑन फिफाफूज। आपको बता दूं तो तेजस्वी ज़्यादा कब छाएं, स्वरागनी की वजह से छाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने स्वरागनी जैसा अमेजिंग सीरियल किया, उसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए उनकी तारीफ़ें हुई हैं, और तेजस्वी प्रकाश का जो रियल नेचर, जो रियल पर्सनालिटी नज़र आई दोस्तों, वो खतरों के खिलाड़ी में नज़र आई थी। जी आपको बता दूं तो खतरों के खिलाड़ी में तेजस्वी प्रकाश जो है ज़बरदस्त लगी थी। ऐसे में आपको बता दूं तो खतरों के खिलाड़ी से इम्प्रेस होके ही रोहित शेट्टी साहब ने एक फिल्म जो है प्रोड्यूस करी, स्कूल कॉलेज अनी लाइफ। ये तेजस्वी जी की
पहली तेजस्वी की पहली मराठी फिल्म है दोस्तों, एंड आई एम श्योर तेजस्वी हंगामा करेगी ही करेगी। जहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर भी वो ट्रॉफी के इतने करीब हैं, वहीं साथ ही साथ उम्मीद यही है कि तेजस्वी प्रकाश जो हैं वो अपने फिल्मी करियर में, अपने सीरियल्स के करियर में भी अच्छा धमाल करेंगी। तो दोस्तों तेजस्वी जी के परिवार वाले तो नहीं मिले, लेकिन मेरे साथ उनके एक पड़ोसी भाई साहब मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? वेद केलुस्कर। ओके, तो वेद भाई मुझे बात बताओ कि तेजस्वी जी से कितनी बार मिले हो आप और कैसा नेचर है उनका? बहुत अच्छा है और वो बहुत फनी है और कभी मतलब उनका नेचर डॉग्स के लिए बहुत अच्छा है और एनिमल्स को बहुत प्यार करती है, एनिमल लवर टाइप है और हमेशा मतलब कोई गिर जाता है तो मतलब नीचे तो केयर करती है, फटाफट आ जाती है। अच्छा, आ जाती हैं। हाँ। मतलब देख इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो, लेकिन फिर भी देख मतलब इतना वो करती हैं लोगों से प्यार करती है। फैमिली वाले कैसे हैं उनके, मतलब उनके भाई? काइंडली है, बहुत काइंडली है। बहुत ओके ओके। और दिवाली वाली होली होली में कैसा रहता है माहौल यहाँ पे? मतलब खूब मस्ती रहती है। खूब मस्ती रहती है। अच्छा, प्यार से क्या बुलाते हो तुम? तेजा तेजा दीदी बुलाते हो? तेजा दीदी। अच्छा, अभी बिग बॉस में कैसा लग रहा है उनका? बहुत एकदम ट्रॉफी के नजदीक लग रहा है और बिग फैन हूँ। बिग फैन हो? हाँ। तो किसको वोट करोगे आप? तेजस्वी दीदी को। तो वहाँ पे जनता को क्या बोलोगे आप कि किसको वोट करें? तेजस्वी दीदी को वोट करो प्लीज। तो दोस्तों ये पड़ोसी भाई साहब है, इनका नाम है वेद और हमें मिल गए। कोई बात नहीं, अगर फैमिली मेंबर नहीं मिल पाए, हमारे पड़ोसी जी ने बता दिया है कि आखिरकार तेजस्वी जी कैसी हैं, उनके भाई प्रतीक कैसे हैं और साथ ही साथ उनके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। ज़रूर देखना अपना वीडियो। तो दोस्तों ये है तेजस्वी जी का घर, तेजस्वी प्रकाश, जो कि बिग बॉस 15 में मचा रही हैं धमाल, और ट्रॉफी तो उन्हीं के ही नाम है ऐसा लग रहा है। मैंने प्रॉमिस किया था कि अंधेरी में जहां स्टूडियो है हमारा, वहां से लेकर आपको यहां तक लाऊंगा, जो जो मेन लैंडमार्क्स हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, और कोशिश यही रहेगी कि मैं अंदर जाके सबसे बातचीत करूँ। बट कोई बात नहीं, अभी अगर घर में कोई नहीं मिला हमें, लेकिन आई प्रॉमिस यू जब जब हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर आएंगे प्रतीक से बात करने, आंटी से बात करने के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए इसी तरीके की जर्नी वीडियोस मैं आपके फेवरेट चैनल फिफाफूज में आपको दिखाता रहूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज और मेरे साथ है कैमरा पर्सन रोशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि तेजा क्या लगाती है अपना भेजा।